तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आई टी आई स्टडी मटेरियल पे। तो आज हम लोग फीटर ट्रेड के MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। तो जो मार्किंग टेबल है उसको कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, स्वयं लुब्रिकेशन के लिए। तो इसका आंसर होगा ये, स्वयं लुब्रिकेशन के लिए मार्किंग मीडिया को कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस गेज का नाम क्या है। तो पिक्चर में देख रहे होंगे चित्र में कि ये एक गेज है, तो इस गेज का नाम बताना है। तो इस गेज का नाम है बेवल गेज। तो इसका आंसर होगा ए, बेवल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो रोटरी फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, रोटरी फाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। तो जो फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु होती है उसको हटाने की विधि क्या है, उस विधि को कॉपर स्ट्रीट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, कॉपर स्ट्रीट। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि को कॉपर स्ट्रीट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग किया जाता है उसमें पकड़ने के लिए टूल मेकर वाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, टूल मेकर वाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो जो हेक्सा ब्लेड होता है तो इसे पूछा जा रहा है कि किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, लचीला ब्लेड। लचीला ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो जो छेनी होता है तो कौन से छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथौड़े में एक चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये एक हथौड़ा है, हैमर है। तो इसमें जो एक्स भाग है इसके नाम पूछा जा रहा है। तो इस एक्स भाग का नाम बताना है। तो इस एक्स भाग को पिन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, पिन। छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। तो जो छेनी का धार होता है उस पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो क्राउनिंग का उद्देश्य कोनों की खुदाई को रोके रखने के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा बी, कोनों की खुदाई को रोके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोके। जो टूल है वो धातु काटने के समय वर्क सरफेस में रगड़ा जाता है, तो इसे कैसे रोके। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, क्लियरेंस कोन को बढ़ाकर हम लोग टूल वर्क से सरफेस से रगड़ने को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, टफनेस। टफनेस जो है वो शॉक और बड़े से बड़े इम्पैक्ट को सह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो कौन सा पार्ट है जो मेजरिंग फेस है और माइक्रोमीटर के बाहर में फ्रेम में फिट होता है। तो इसका आंसर होगा ए, एनविल। एनविल मेजरिंग फेस के बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस माइक्रोमीटर का नाम बताइए। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये एक माइक्रोमीटर है, तो इसका नाम बताना। तो इसका नाम है डेप्थ माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर होगा ए, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो ऐसे ही MCQ क्वेश्चंस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।